दर्शन मात्र से दूर हो गई गरीबी, बाबा ने दिया ऐसा संदेश, खड़ी हो गई एप्पल जैसी कंपनी। 50 साल पहले नीम करोली बाबा ने बताई थी ऐसी बात, जिसे जिंदगी में उतार लिया तो बरसेगा पैसा ही पैसा, कामयाबी चूमेगी कदम, मिट जाएगा फेल होने का भय। अगर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो नीम करोली बाबा की जय। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आप नीम करोली बाबा के ये 5 मंत्र याद रखना, अगर इन्हें जीवन में उतार लिया तो जीवन से कंगाली खत्म हो जाएगी। वो 5 मंत्र कौन से हैं, चलिए आपको बताते हैं। पहला मंत्र ये है कि जो इंसान बेवजह धन बर्बाद करता है वो इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता। दूसरा मंत्र ये है कि जो इंसान दिखावे के चक्कर में रहता है उसके पास कभी भी धन नहीं टिकता, इसलिए इंसान को दिखावे के चक्कर में धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, जो लोग फिजूल खर्ची की जगह बचत पर ध्यान देते हैं उनके पास कभी भी धन की अल्लत नहीं आती और हमेशा लक्ष्मी मेहरबान रहती है। अगर जरूरतमंदों की मदद करने में धन खर्च किया जाता है तो इससे तरक्की होती है और घर में तेजी से धन आता है। नीम करोली बाबा के दर्शन करने वाले वैसे तो कई लोगों की जिंदगी बदल गई और उनके पास इतना पैसा आया कि पूरी जिंदगी हर दिन पैसों के बिस्तर पर सोएं तब भी उनका धन कम नहीं होगा। नीम करोली बाबा का धाम है कैची धाम, जहां बाबा पहली बार साल 1961 में आए और फिर साल 1964 में कैची धाम की स्थापना की गई। नीम करोली बाबा के भक्त आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स भी बाबा के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने बाबा के इन्हीं मंत्रों को अपने जीवन में आत्मसात किया था। कहते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी बदलने में बाबा का ही योगदान है। फिर स्टीव जॉब्स ने बाबा के बारे में पता किया। फिर साल 1974 में स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली के दरबार में आए। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सच, जो रहस्य बन चुका था, उसको जानने के लिए बाबा नीम करोली के आश्रम पहुंचे, लेकिन बाबा से स्टीव जॉब्स की मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि बाबा ने साल 1973 में ही देह त्याग कर दिया था। स्टीव जॉब्स इस यात्रा के दौरान नीम करोली बाबा के आश्रम कैची धाम में रुके थे। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। स्टीव जॉब्स पहले हरिद्वार पहुंचे और उसके बाद कैची धाम तक पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि बाबा समाधि ले चुके हैं। ये भी माना जाता है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल के लोगों का आइडिया बाबा के आश्रम से ही मिला। एक किंवदंती तो यह भी है कि नीम करोली बाबा को सेब बहुत पसंद थे, यही वजह थी कि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के लिए कटे हुए एप्पल को चुना। इसी तरह फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग को नीम करोली बाबा के आश्रम में जाने की सलाह स्टीव जॉब्स ने दी। स्टीव जॉब्स ने बताया कि कैसे नीम करोली बाबा के कहे गए वचन और उनके मंत्र उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। मार्क जकरबर्ग फिर साल 2008 में भारत आए और कैची धाम में समय बिताया। इसके बाद उन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि नीम करोली बाबा की तस्वीर देखने के बाद उनका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ बढ़ गया। बाबा की ऐसी हजारों कहानियां हैं जो उनके भक्तों को सुकून देने वाली होती है। एक कहानी तो ये भी है कि एक बार यहाँ के मंदिर में काम करते वक्त एक भक्त का हाथ गर्म तेल की कढ़ाई में चला गया, जिससे उसका पूरा हाथ बुरी तरह से झुलस गया। जब बाबा को इस बात का पता चला तब उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसके जले हुए हाथ पर अपना कंबल लपेट दिया। इसके बाद उसका हाथ पहले के जैसा हो गया। इन कहानियों को सुनने के बाद आप बाबा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।